अच्छा ये बताइए, मार्केट में अभी सोलर की प्राइस नीचे आई है क्या? सर इसकी तकरीबन 18,000 रुपए की प्राइस थी, 16,500 रुपए, 16,000, 15,000 मुख्तलिफ प्राइस में आ गया है। यानी जो प्लेट 18,000 की थी वो तकरीबन 16,500, 14,500, 15,000, 12,500 तक में आ गई है। जैसे 180 वॉट की ये पैनल है, इस पे हम कितना लोड डाल सकते हैं? इस पे 12 वोल्ट के दो पंखे आराम से चल जाते हैं। एक रेट अपोलो की प्लेट, अपोलो की अगर बी ग्रेड में लगाते हैं उस पे एक पंखा चल जाता है। लेकिन मैं हर तरह का कस्टमर है, कोई बोलता है कि मेरे को एक पंखा दो लाइटें चल जाए वो ही बहुत है। जी, किसी की रिक्वायरमेंट होती है मेरे को एसी चलाना है, किसी की रिक्वायरमेंट होती है मेरे को फ्रिज चलाना है, तो उस लिहाज से हमारे पास हर तरह के सिस्टम अवेलेबल है। तो जब छोटे टक्के का बंदा जो महीने के 20-30 हज़ार रुपये जिसकी सैलरी है, जो अफोर्ड नहीं कर पाता, तो उसके लिए भी हमारे पास सिस्टम है कि एक प्लेट लगा के, एक छोटी सी बैटरी लगा के, उसमें पंखे लाइटें लगा के वो दिन में सोलर के ऊपर और रात के बैटरी के ऊपर चला सकता है। कई मुख्तलिफ इलाकों में लोड शेडिंग है 15 घंटे 17 घंटे की, तो हमने कई सिस्टम लगाए तो उसमें बेहतर रिजल्ट आया डीसी के सिस्टम में। तो वो छोटी बस जो गरीब जो नहीं अफोर्ड कर पाता तो उनके ये डीसी सिस्टम मेरे लिहाज से बेहतर है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज हम मौजूद हैं कराची में सदर मेन सदर पे। यहाँ पे अपोलो के नाम से जो है एक होलसेल डीलर है, सारे सोलर पैनल के हवाले से और इन्वर्टर के हवाले से भी आज हम आपको अपनी वीडियो में डिटेल से बताएंगे। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, काफ़ी इंफॉर्मेटिव होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आपको नए वीडियो का मिल सके। तो वीडियो का स्टार्ट करते हैं। तो हमारे साथ मौजूद हैं अपोलो सोलर एनर्जी के राजू भाई। तो राजू भाई से डिटेल मालूम करते हैं इसके हवाले से। अस्सलाम वालेकुम राजू भाई, कैसे हैं? अच्छा राजू भाई, हमारे व्यूवर्स को आज बिल्कुल लेटेस्ट जो प्राइस है अभी सोलर की प्राइस नीचे आई है क्या? सर इसकी तकरीबन 18,000 रुपए की प्राइस थी, 16,500 रुपए, 16,000, 15,000 मुख्तलिफ प्राइस में आ गया है। यानी जो प्लेट 18,000 की थी वो तकरीबन 16,500, 14,500, 15,000, 12,500 तक में आ गई है। आज के रेट बता रहे हैं? जी आज के रेट बता रहे हैं। रेट एक जगह पे खड़े हुए नहीं है, रेट अप डाउन होते रहते हैं। वो कोई भी किसी भी कंपनी का ब्रांड हो? सर मुख्तलिफ कंपनियाँ होती है, मुख्तलिफ वार्ड होते हैं हमारे पास। आपके पास कौन कौन सी कंपनी? अपोलो की मिल जाएगी, एडी के नाम से मिल जाएगी, होंडा सोलर मेड्यूल और एफिशिएंसी के नाम से। सर प्राइस जो है वो तकरीबन 18,000 रुपए के रेट थे, ठीक है ना? इस पे तकरीबन हमारे पास अपोलो का मिल जाएगा 185 वाट का सोलर, 185 वाट, वो 16,500 रुपये का पड़ेगा ये रहा मैंने। ये 185 वॉट है। इसके अलावा माइग्रेट वाली वैरायटी हमारे पास मिल जाएगी एटी सोलर के नाम से, 12,500 रुपये की। ये कौन सी कंपनी का है? एटी के नाम से। एटी के नाम से भाई पिछले जी, इसकी प्राइस क्या है? ये 12,500 रुपये की। 12,500 के कितने वॉट की होती है? 150 वॉट। 150 वॉट की है जी, ठीक है। और ये वाली आपने बताई 185 वाट की है, अपोलो कंपनी, 16,500 रुपये की है विद वारंटी कार्ड के साथ, कंपनी अपोलो कंपनी, अपोलो कंपनी। इसके अलावा सर हमारे पास 180 वाट में सोलर मेड्यूल के नाम से, वो 13,500 रुपये, 13,500 की पड़ेगी। ये वही अपोलो वाली है 16,500 रुपये। और इसके अलावा ये भी 185 वाट की है, 185 वाट। ये होंडा 180 वाट की है, 180 वाट, 13,500 रुपये की। अच्छा इसकी वारंटी बताइएगा? और इसकी 10 साल लाइफ वारंटी होती है। छोटे पैनल हो या बड़े हो? छोटे पैनल हो, बड़े हो, बड़े में हमारे पास से कम 345 है, इसके बाद 405 है, इसके बाद 480 वाट है, इसके बाद 535 वाट, ठीक है। अच्छा ये बताइए, जैसे 180 वाट की ये पैनल है, इस पे हम कितना लोड डाल सकते हैं? इस पे 12 वोल्ट के दो पंखे आराम से चल जाते हैं। एक ग्रेड अपोलो की प्लेट, अपोलो की अगर बी ग्रेड में लगाते हैं उस पे एक पंखा चल जाता है, ठीक है। ये 550 वाट है, 535 वाट है, विद डॉक्यूमेंट्स। कौन सी कंपनी का? जे ए का, ठीक है। ये पड़ेगी 48,500 की, ए वन ग्रेड टेयर वन का। इसकी वारंटी भी वही 10 साल? 10 साल है, ठीक है। अच्छा इस पे हम क्या क्या लोड, कितना लोड डालते हैं? ये बड़े सिस्टम पे लगते हैं क्वान्टिटी में, 3 KVA का सिस्टम, 5 KVA का सिस्टम, 4 KVA का सिस्टम, 7 KVA का सिस्टम, मुख्तलिफ वार्ड आते हैं।
अब कस्टमर की रिक्वायरमेंट की बात जो है ना, हम मुख्तलिफ वार्ड के हिसाब से मुख्तलिफ क्वांटिटी मुख्तलिफ वार्ड के हिसाब से हम प्लेटें देते हैं। कस्टमर की जो रिक्वायरमेंट होगी उसके हिसाब से फिर आप जो है उनको मार्केट में जो है ना, मार्केट में हर तरह का कस्टमर है। कोई बोलता है कि मेरे को एक पंखा दो लाइटें चल जाए वही बहुत है, किसी की रिक्वायरमेंट होती है मेरे को एसी चलाना है, किसी की रिक्वायरमेंट होती है मेरे को फ्रिज चलाना है, तो उस लिहाज से हमारे पास हर तरह के सिस्टम अवेलेबल है। तो जब छोटे टक्के का बंदा जो महीने के 20-30 हज़ार रुपये जिसकी सैलरी है जो अफोर्ड नहीं कर पाता, तो उसके लिए भी हमारे पास सिस्टम है कि एक प्लेट लगा के एक छोटी सी बैटरी लगा के उसमें पंखे लाइटें लगा के वो दिन में सोलर के ऊपर और रात के ऊपर बैटरी के ऊपर चला सकता है। कई मुख्तलिफ इलाकों में लोड शेडिंग है 15 घंटे 17 घंटे की, तो हमने कई सिस्टम लगाए तो उसमें बेहतर रिजल्ट आया डीसी के सिस्टम में। तो वो छोटी बस जो गरीब जो नहीं अफोर्ड कर पाता तो उनके लिए डीसी सिस्टम मेरे लिहाज से बेहतर है। और उसमें एक प्लेट दो पंखे आपके आराम से चल जाते हैं, अगर उसमें बैटरी लगा लेते हैं तो रात को अच्छा खासा बैकअप मिल जाता है। तो उसमें डीसी पंखों में बिजली पे चले तो बिजली की बचत है, और अगर बैटरी के ऊपर चले तो सोलर से बैटरी चार्ज हो जाती है और बैटरी पे रिजल्ट अच्छा हो जाता है। अच्छा ये राजू बताइएगा, जैसे ये कोई इसका सेटअप लगाता है इस प्लेट का, तो उसके साथ साथ जो इक्विपमेंट होते हैं सामान होता है क्या क्या लगता है इसका? सर इसमें सबसे पहले आप लगा लो सोलर प्लेट, उसके बाद आ जाता है सोलर का वायर, उसके बाद आ जाता है इन्वर्टर, इसके बाद आ जाता है बैटरी, इसके बाद हो जाती है कि कोई छोटा मोटा सामान हो गया डीबी बॉक्स वगैरह हो गया और लेबर हो गई, तो लेबर भी हम कोशिश यही करते हैं अपनी लेबर बेचते हैं कि जो है कस्टमर के यहाँ कोई कंप्लेंट नहीं है। पाए की लेबर होती है वो बस लगा के निकलने वाली, हमारी अपनी लेबर होती है, काम इंशाल्लाह साफ सुथरा होता है हमारा। अच्छा ये बार कोड का क्या सिलसिला होता है जरा बताइएगा हमारे नागरिक? बार कोड में ये होता है कि बार कोड प्लेट के ऊपर लिखा हुआ होता है, इसके डॉक्यूमेंट्स आते हैं जब 31-20 का पायलट खोलते हैं ना उसके अंदर एक स्लिप निकलती है वो डॉक्यूमेंट्स कहलाता है, वो ये लगा हुआ है। ये A1 ग्रेड टेयर 1 में ये डॉक्यूमेंट्स निकलते हैं, तो बस कस्टमर की रिक्वायरमेंट होती है कि डॉक्यूमेंट्स, तो डॉक्यूमेंट्स वाले भी पैनल हमारे पास अवेलेबल है। ये बताइए अगर कोई कस्टमर आपके पास आता है वो अपनी रिक्वायरमेंट बताता है कि इसके ऊपर ये लोड डालना है इतना, तो वो क्या आपके पास तमाम मटेरियल विद लेबर और उसकी आप कोटेशन वगैरह देते हैं, वो इसके हवाले से जरा हमारे नाज़रीन को बताइए। सर हमारे पास लेबर भी मिल जाएगी, सारा सामान भी मिल जाता है, और प्लस कोशिश हमारी यही होती है कि हम कस्टमर को खुद गाइड कर लेंगे, डीसी सिस्टम वगैरह कस्टमर खुद इंस्टॉल कर ले। और कितने ऐसे कस्टमर हैं जिन्होंने खुद भी इंस्टॉल किया है, तो हमारी कोशिश सबसे पहले यही होती है कि हम कस्टमर को गाइड कर देते हैं, कस्टमर खुद कर ले। बात ये है कि बड़े सिस्टम में तो फिर बिजली के काम में कोई हाथ नहीं डालता, तो कस्टमर बोलते हैं कि हम आप बंदा ही भेज दो, तो उसमें बंदा भेज देते हैं। बाकी ये कि कोशिश हमारी यही होती है कि हम कस्टमर को गाइड कर देते हैं, कस्टमर खुद भी कर लेते हैं। तो आप तो कस्टमर को उसकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से रेट भी देते हैं विद मटेरियल विद लेबर भी बताते हैं सब सब। तो वो अगर जो भी इसमें इंटरेस्ट हो वो आपसे फोन पे रابطہ कर सकता है? बिल्कुल ऐसा ही। सर आप अपना फोन बताइए, फोन नंबर बताइएगा। तो ये हमारी शॉप का कार्ड है, सदर मेन लीगल जुबली मेंशन बिल्डिंग है, ठीक है, इस पे रابطہ कर सकते हैं। जी बिल्कुल। इन्वर्टर के हवाले से जरा सबसे बताइए। और इन्वर्टर हमारे पास सबसे पहले जो है ना, मैं आपको दिखा रहा हूँ सादे वाला, अपोलो 5 पंखे 10 सेवर्ड चलाता है, ये 800 वाट का यूपीएस है, 5 पंखे 10 सेवर इसके ऊपर आराम से चल जाएंगे। 5 पंखे 10 सेवर जी, बड़े से बड़ी बैटरी होगी उसको भी चार्ज कर लेगा। ये हमारा अपोलो इलेक्ट्रा के नाम से कामयाब मॉडल है, कस्टमर की रिक्वायरमेंट किया था ये दोबारा मंगवाया, इसके 35,000 रुपये के रेट हैं, ठीक है, आपकी रेफर से अगर आएंगे ना तो इंशाल्लाह रेट डिस्काउंट के साथ हम दे देंगे। चलिए शुक्रिया, आगे बढ़िए। सर ये 900 वाट 5 पंखे 10 सेवर वाला इन्वर्टर है, 20 एम्पीयर चार्जिंग है, 900 वाट का इन्वर्टर है, 5 पंखे 10 सेवर आराम से चलाएगा, बड़े से बड़ी बैटरी को भी चार्ज करेगा, LCD प्लस LED में 5 पंखे 10 सेवर आराम से चलाएगा, इसकी प्राइस है 29,000 रुपये, इंशाल्लाह आपके रेफर से आएंगे तो रेट डिस्काउंट के साथ ही है। वारंटी कितनी बताइए? वारंटी सर 1 ईयर है, 1 ईयर वारंटी, 1 ईयर खराबी कोई भी खराबी होगी कंपनी फ्री ऑफ कॉस्ट में बना के देगी, कोई शराइत नहीं है हमारी। कि अदर कंपनी मैंने नोट की है कि जिसमें सर्विस चार्जेज है
इसमें कोई सर्विस चार्जेस नहीं हमारे, ठीक है। वन ईयर फ्री ऑफ कॉस्ट कंपनी बना के देगी, बस वारंटी कार्ड होना चाहिए, वारंटी कार्ड होना, वारंटी कार्ड होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद 1.2 सोलर में आ गया, 1.2 जी। इसके ऊपर चार प्लेटें लगती है, इसकी आउटपुट है 900 वाट, सोलर पीवी 600 वाट, चार छोटी 185 वाट की प्लेट लग के 3-4 पंखे 3-4 लाइटें आराम से चल सकती है सोलर के ऊपर। इसके बाद आ गया 2.2 वाला, इसके ऊपर चार बड़ी प्लेटें लगेंगी, इसमें फ्रिज प्लस पंखे लाइटें आराम से चल जाएंगी, दो बैटरी वाला। प्राइस सर 65,000 रुपए, लेकिन आपके रेफर से आएंगे तो इंशाल्लाह कमी बेशी के साथ ही देंगे। और वारंटी क्या होगी? वारंटी सर 1 ईयर है, कोई भी इन्वर्टर होगा इसकी 1 ईयर वारंटी है, ठीक है। इसके अलावा 3 किलोवाट के हैं, 1.5 के इन्वर्टर है हमारे पास सोलर वाले, 1.5 जिसकी आउटपुट 1500 वाट होगी, सिंगल बैटरी में होगा, सोलर की भी 2000 वाट होगी, इसमें बड़ी चार प्लेटें लगा के फ्रिज पंखे लाइटें सिंगल बैटरी के साथ, ये भी सिस्टम हमारे पास अवेलेबल है 1.5 का, 1.5 है। इसी में 3 किलोवाट है, इसी में 4 किलोवाट है, इसी में का 5 किलोवाट वो सामने पड़ा हुआ, ये सामने पड़ा हुआ 5,000 का, ठीक है। इसकी प्राइस है, इसकी प्राइस है 7,200 की। हमारे पास मुख्तलिफ कंपनियों के इन्वर्टर है, अपोलो का भी मिल जाएगा, फ्रोनस का भी मिल जाता है, कस्टमर की रिक्वायरमेंट की वजह से हमारे पास सारी वैरायटी। अच्छा राजू, यहाँ का एड्रेस बता दीजिए, अपना कॉन्टेक्ट नंबर। कराची का इलाका है, सदर मेन डीजल चौक, वहाँ पे ड्यूबली मेंशन बिल्डिंग है, अपोलो का आउटलेट है, ये हमारी शॉप का कार्ड है, सदर में नीगल चौक पे ड्यूबली मेंशन बिल्डिंग के लाइन में, ठीक है। बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया और हमारे व्यूअर्स को आपने डिटेल सारी बताई, शुक्रिया।